प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर रवाना हो गए। 3 दिन के विदेश दौरे पर रवानगी से पहले प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कई अहम बातें कहीं। दोनों देशों के साथ भारत के आपसी संबंधों में नई ऊर्जा के संचार की उन्होंने उम्मीद जताई। पीएम ने कहा कि आज मैं पोलैंड गणराज्य और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूँ। पोलैंड की मेरी ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हम अपने राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे कर रहे हैं। पोलैंड मध्य यूरोप में एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है। लोकतंत्र और बहुलवाद के प्रति हमारी पारस्परिक प्रतिबद्धता हमारे संबंधों को और मजबूत बनाती है। मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज ड्यूडा से मिलने के लिए उत्सुक हूँ ताकि हमारे साझेदारी को आगे बढ़ाया जा सके। मैं पोलैंड में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलूंगा। पोलैंड से मैं राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन जाऊंगा। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। मैं द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और चल रहे यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पहले की बातचीत को आगे बढ़ाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। एक मित्र और साझेदार के रूप में हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी की आशा करते हैं। मुझे विश्वास है कि यात्रा दोनों देशों के साथ व्यापक संपर्कों की स्वाभाविक निरंतरता के रूप में काम करेगी और आने वाले वर्षों में मजबूत और अधिक जीवन संबंधों की नींव रखने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड और यूक्रेन दौरे का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड का ये पहला दौरा है, जबकि 30 साल में यूक्रेन की पहली यात्रा। दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में अहम साबित हो सकता है। ये पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा होगी। पोलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का राजधानी वारसा में औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जहां पीएम मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। यहाँ पे पोलिश सरकार, पोलिश मीडिया, पोलिश लोगों में ऑलरेडी एक उत्साह का माहौल बन चुका है। सारे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट में फ्रंट पेज स्टोरी है ये कि मोदी जी आ रहे हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। पोलैंड यहाँ इस रीजन का एक बड़ा कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन का एक इम्पोर्टेंट सदस्य है। तो डेफिनेटली हम दोनों की जो बातचीत होगी, प्रधानमंत्री जी की जो बातचीत होगी, उससे रिलेशनशिप को बहुत फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी वारसा में मोंटी कैसिनो स्मारक का भी दौरा करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों ने पोलैंड की सेना के साथ मिलकर मोंटी कैसिनो की लड़ाई लड़ी थी और इसमें जीत हासिल की थी। इस लड़ाई में भारत के सैकड़ों सैनिकों की जान भी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी इस स्मारक पर पहुंचकर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में कोल्हापुर के महाराजा के सम्मान में बने मेमोरियल का भी दौरा करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर के महाराजा ने पोलैंड के 5000 निवासियों को कोल्हापुर में शरण देकर उनके खाने, रहने और पढ़ाई का इंतजाम किया था, जिसके बाद उनके सम्मान में पोलैंड की सरकार ने इस स्मारक का निर्माण कराया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 5000 के करीब जो पोलैंड के निवासी थे उनको शरण दी थी कोल्हापुर महाराष्ट्र के महाराजा ने, जिनका नाम था श्रीमंत राजश्री छत्रपति साहू महाराज। यही कारण है कि आप देखें कि पोलैंड की सरकार ने उनके सम्मान में ये स्मारक बनाया है और यहाँ पर वाकायदा लिखा भी है कि थैंक्स टू द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द प्रिंसिपलिटी ऑफ कोल्हापुर, और ये बताता है कि किस तरीके से पोलैंड वासियों की उन्होंने सेवा की। पीएम मोदी पोलैंड में व्यापार जगत समेत सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों से भी मिलेंगे। दशकों बाद भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी होने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे। पोलैंड से नीरज सिंह की रिपोर्ट, DD News।